फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर मैं देखूं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। क्यों भाई? क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में जो फोर्सेस लगते हैं वो लगते हैं लंडन फोर्सेस, जिनको आप डिस्पर्शन फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उनमें कोई और डायपोल शाइपोल कुछ है ही नहीं, उसमें लगते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस। लेकिन जो एल्डिहाइड्स हैं उनके अंदर कौन से फोर्सेस लगते हैं वो मैंने नीचे लिख दिया, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। क्यों? क्योंकि पोलर बॉन्ड तो इसके अंदर मौजूद है, ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड फट टूट के इस पे पूरा नेगेटिव और पूरा पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर देगा। तो इट मींस इट हैज अ वेरी स्ट्रांग डायपोल, बहुत स्ट्रांग डायपोल होगा इसका। इतना स्ट्रांग डायपोल है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स इज डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। डायपोल डायपोल इंटरैक्शन हमेशा ज्यादा होती है डिस्पर्शन फोर्सेस से, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड, ऑफ कोर्स मेल्टिंग भी साथ में अपने आप इंक्लूड हो जाएगा, बट ये सारे के सारे लिक्विड्स हैं इसीलिए इनके लिए हम मेल्टिंग पॉइंट वर्ड यूज ही नहीं करते। तो बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के हमेशा ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू मिलते जुलते मोलर मास वाले हाइड्रोकार्बन्स। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तरफ तो इथेनल लो और एक तरफ आप डेकेन 10 कार्बन का एल्केन ले लो। नो, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कंपेरेबल मोलर मासेस में लिए जाते हैं। सो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, जबकि एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन, एल्केन एल्कीन एल्काइन। लेकिन अगर अल्कोहल के कंपैरिजन में आप आओ, अल्कोहल से ये पीछे ही आएंगे। उसकी वजह क्या है? अल्कोहल्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है आपस में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रांग, इसीलिए उससे तो डाइपोल डाइपोल हमेशा कम ही रहेगा। सो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन एल्कीन एल्काइन से आगे बॉइलिंग पॉइंट में, लेकिन अल्कोहल से अभी भी पीछे हैं। तो इसी बात को यूटिलाइज अब हम यहां करते हैं। जरा ये ट्रेंड देखिए, ये सारे मैंने कंपेरेबल मोलर मासेस वाले केस लिखे हैं, ब्यूटेन मिथॉक्सी इथेन प्रोपेनल एसीटोन प्रोपेनोल। इन सब में आप देखोगे मोलर मासेस में एक या दो यूनिट का ही फर्क है। तो आई एम गिविंग यू दीज फाइव, केस नंबर वन, केस नंबर टू, केस नंबर थ्री, केस। जतिन कंप्लीट योर सेंटेंस। ब्यूटेन क्या? आर यू सीरियस? एल्केन का सबसे ज्यादा होगा, ऊपर की लाइन क्या लिखी है मैंने? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन चल रहा है हायर देन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन एल्कीन एल्काइन आता है, तो हाइड्रोकार्बन से अगर आप देखो तो एल्डिहाइड का ज्यादा है। और मैं आपसे पूछ रही हूं सबसे ज्यादा किसका होगा? सजल प्रोपेनोल। अभी बता के आई हूं, परोस के दिया आंसर मैंने, वाकई तबीयत खराब है लड़के की। सो फिफ्थ वाला जो है अल्कोहल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद गलती हो सकती है लेकिन इसमें नहीं हो सकती थी। सबसे कम ब्यूटेन लिख दो, हाइड्रोकार्बन सबसे पीछे आते हैं, तो हाइड्रोकार्बन सबसे पीछे और अल्कोहल सबसे आगे। बोर्ड का काम तो इसी में निमट लेगा, ये एनसीईआरटी इंटेक्स सॉल्व क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए एल्डिहाइड कीटोन एंड ईथर्स। ईथर्स एल्केन से जस्ट एक स्टेप ऊपर। पिछले चैप्टर में आप ईथर पढ़ के आए हैं, ईथर्स में बहुत वीक पोलर बॉन्ड होता है। ईथर्स अगर आप देखो क्या होते हैं, लेट मी ड्रॉ हेयर ईथर, सी एच थ्री ओ सी टू एच फाइव। इसमें कोई पोलर, खास पोलर बॉन्ड नहीं है कार्बन और ऑक्सीजन वाला। डबल बॉन्ड होता तो मैं कहती हाईली पोलर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड होता मैं कहती यस वेरी पोलर, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड उतना पोलर नहीं है, वीक डाइपोल। तो अगेन ये अल्कोहल से पीछे आएगा, एल्डिहाइड कीटोन से भी पीछे आएगा। तो सबसे कम हो गया एल्केन का, उसके बाद हुआ आपका ईथर्स का। सबसे ज्यादा तो हमने पहले ही वैसे ही प्रोपेनोल को रखी दिया। अब फाइट आती है एल्डिहाइड कीटोन, जो इस चैप्टर का हिस्सा है, और उस हिसाब से आप चले कंपेरेबल मोलर मासेस में कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो कीटोन है नंबर फोर और एल्डिहाइड है मेरे पास नंबर थ्री। ये मैंने एनसीईआरटी का उठाया है, दो एग्जाम्पल है, एक सॉल्व एक अनसॉल्व, ये आपके पास एनसीईआरटी का है, ठीक है। सो बीच में एक साइन लगना रह गया दिस।
तो अब आप हमेशा देख लीजिए एल्कोहल्स, अब तक पढ़ी ऑर्गेनिक में एल्कोहल सबसे आगे, उसके बाद कीटोन अगर कंपेरेबल मासेज हैं तो, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद ईथर और लास्ट में एल्कोहल। अभी तक यही फंक्शनल ग्रुप्स तो पढ़े हमने, एसिड पढ़ेंगे वो भी जोड़ देंगे। हाइड्रोकार्बन है ही, यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही, हाइड्रोकार्बन, मेरे से एल्कोहल गलती से यहां लिख दिया, आई एम सॉरी, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हम इलेवंथ में पढ़ के आए और बाकी के हम पढ़ ही रहे हैं। एसिड आएगा तो एसिड तो सबसे आगे आएगा, वो अगले चैप्टर में इसी में वो जुड़ जाएगा। सो ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, मेल्टिंग पॉइंट वी वोंट आस्क यू बिकॉज वी डोंट रिसीव देम इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो एक तो ये चीज बॉइलिंग पॉइंट को लेके आपके साथ बात करनी थी। अगर बात हम क्लोज करें इसको, तो एक क्वेश्चन आपके सामने और आ जाएगा, वो भी हम देखेंगे जब देखना होगा, टेस्ट में आ जाएगा, नॉट नाउ, टेस्ट में मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट पे आज एक क्वेश्चन जरूर दूंगी, क्योंकि अब हम ऑर्गेनिक को समेटने की तरफ आ गए, एंड की तरफ आ गए हैं, तो सारे फंक्शनल ग्रुप की चीजें बीच में घुसनी शुरू होंगी। सॉल्युबिलिटी पे बात करते हैं, जितने भी लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, यानी जिनमें कम कार्बन होते हैं, राइट, लोअर एल्डिहाइड कीटोन्स, इथेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनोन, दे ऑल आर सॉल्युबल विद वॉटर। वाई? बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वॉटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, आपस में नहीं बना सकते ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट कम थे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी हो रही थी, लेकिन वॉटर के साथ दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ऑल आर सॉल्युबल इन वॉटर, लेकिन छोटे, लोअर, जिसमें आर ग्रुप छोटा हो। जैसे जैसे आर का साइज, जैसे जैसे आर का साइज बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो दखल देना शुरू हो जाएगा, ये आर इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अफेक्ट करेगा, जैसे जैसे आर ग्रुप बड़ा हो गया, तो अगर ये उसको अफेक्ट करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हिंडर हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हिंडर हुई, इसीलिए सॉल्युबिलिटी कम होती गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना बड़ा आर उतनी ही पुअर सॉल्युबिलिटी। ये बात हुई सॉल्युबिलिटी पे। सारे एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये बहुत अलग बात पे आ रही हूं मैं, दिस सभी एल्डिहाइड और कीटोन्स बहुत आराम से सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, कुछ होते हैं उनमें पोलर, कुछ होते हैं नॉन पोलर, जैसे ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये वीकली पोलर है, लेकिन मीथेनॉल तो पोलर है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी हैं एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें बढ़िया आराम से सॉल्युबल हो जाते हैं। क्लियर सबको? तो जतिन ने तो जैसे मर्जी मेरे को आंसर दिया, गलत सही कि नहीं, उसने इतनी परवाह करी, अपनी प्रेजेंस दे दी, मेरे को शौर्य ने प्रेजेंस नहीं दी। दिस टेल्स मी कि अब आपको मैं ऑनलाइन के लिए अलाउ नहीं करूंगी। सिद्धार्थ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू हेयर। तुम लोग अब मेरे काबू में आना, तब मैंने ना तुम लोगों को टेंट्रम्स शो किए। तो मीथेनॉल इज पोलर, अगर आप देखो तो मीथेनॉल CH3OH, ये रहा काफी पोलर बॉन्ड, तो ये पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब एक बात यहां से जो मैं NCERT से फिर कंफर्म करके बता रही हूं, थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं कई बार कुछ चीजों में, एक इशू आपको बार बार आएगा जब आप इस चैप्टर में आओगे, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मोलर मास कंपेरेबल है, बराबर है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट वाली स्लाइड में बता दिया, लेकिन आप चाहे तो इसके लिए अलग बुलेट अपने लिए बना लीजिए कि अगर सिमिलर बॉइलिंग, सिमिलर मोलर मासेस वाले हैं तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड से। इसमें गलती का चांस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, जहां आपको कंफ्यूज करा जाता है, तो ये हमेशा याद रखना, सिमिलर मोलर मासेस के लिए बात कर रही हूं मैं, ये कीटोन्स हमेशा ज्यादा होंगे, क्योंकि पकड़ा ही ऐसी चीजों पे जाता है, बड़ी ऑब्वियस चीजों पे तो नहीं पकड़ते। तो यहां हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इस सबको खत्म करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं स्मेल को लेके, मैं इसके शुरुआत में बता चुकी हूं, NCERT ने लिया है कि जितने भी फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंसेस, जितनी भी स्मेल्स आपके चारों तरफ है, मैक्सिमम एल्डिहाइड कीटोन्स का कंट्रीब्यूशन है। सो वो आपको NCERT में एक पैराग्राफ है, जब टाइम मिले पढ़ लीजिएगा, दैट इज नॉट माय पार्ट, राइट। अब आगे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन और जो मेरे को NCERT में अच्छा मिला,
मैंने यहां लिख दिया आपके लिए, मुझे बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा किसका सबसे कम। शिवम लाओ आंसर, गरिमा, सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून से काम नहीं चलेगा, आंसर दो किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। एल्कोहल सबसे ज्यादा इसका। तो आई विश यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, देखे हुए किए हुए क्लास में क्वेश्चन अगर आते तो उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। सबसे पीछे तो सेकंड रख दूं, एल्केन सबसे पीछे, उसके बाद आते हैं ईथर्स, और ईथर्स के अब बचा क्या, एल्डिहाइड, एल्कोहल कहां रखने आपने देख लिए। तो ये भी एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको ये टॉपिक बार बार देखना ना पड़े। अब आ जाते हैं लास्ट एक और चीज, डायपोल मोमेंट। इतनी देर से मैं पोलर पोलर बोल रही हूं, लेट्स सी इट क्वांटिटेटिवली। आपको थोड़ी सी हैरानी ये जान के होगी, एल्कोहल्स जरा यहां देखिएगा, एल्कोहल में पोलर होने का मतलब ये बॉन्ड पोलर है, कार्बन और हाइड्रोजन तो आपस में नॉन पोलर होते हैं। ऑक्सीजन पे चार्ज आया पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज आया पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये शेयर्ड पेयर अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खिसका के रखेगा, इस हिसाब से इसका डायपोल मोमेंट होगा। डायपोल मोमेंट मैंने लिख भी दिया 1.7 डिवाइड, लेकिन जरा कीटोन पे देखिए, कोई भी कीटोन, मैंने एरोमेटिक इसलिए बनाया कि आप लोगों की आदत रहे, एलिफेटिक के बजाय एरोमेटिक भी बनने चाहिए। इसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू ये वाला बॉन्ड। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड इतना वीक है, ये इमीडिएटली टूटता है और उससे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है, वहां सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खिसक रही है थोड़ी सी, पार्शियल मतलब नॉट कंप्लीट, वेरी लेस, और ये नेगेटिव का मतलब क्या है, कंप्लीट नेगेटिव। हमेशा कंप्लीट नेगेटिव ज्यादा होगा पार्शियल से, तो चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल मोमेंट जिसका सिंबल होता है म्यू, इट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज कहां ज्यादा मिला मेरे को, कीटोन के केस में, तो चार्ज ज्यादा मिलने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। कीटोन्स का डायपोल, कहीं आप बॉइलिंग पॉइंट से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में मैं आपको याद करा रही हूं एल्कोहल सबसे पहले लिख दो, तो उसी चक्कर में डायपोल मोमेंट भी सबसे पहले नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह डायपोल मोमेंट नहीं है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो टोटली अलग चीज है। लेकिन डायपोल मोमेंट की अगर बात की जाए, कीटोन्स का डायपोल मोमेंट एल्कोहल से मच मच हायर होता है। सी कितना ज्यादा है, कितने टाइम से दिख रहा होगा आपको, तो आप इसको सिंपली हायर नहीं, मच हायर चला गया, एक दो पॉइंट में नहीं फर्क आया है, फर्क आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंच गए हम, राइट। सो इस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा इनका डायपोल मोमेंट कीटोन्स और एल्डिहाइड्स का एल्कोहल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। गुड क्वेश्चनेयर वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, है एनसीईआरटी का, लेकिन इस नजरिए से हम सोच नहीं पाते समटाइम। अब आ जाते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज को पहले समझिएगा फिर नोट करिएगा, जैसे लास्ट क्लास में किया था। यहां समझने वाला मुद्दा ज्यादा है, इससे पहले थोड़ी क्रैमिंग थी, याद करना था जी ये होता है होता है, अब समझेंगे तो आज की क्लास सिर्फ इस एक स्टेप वन स्टेप टू पे है। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था एल्काइललाइड में, आपको एक बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गया तो 15 न्यूक्लियोफाइल आपने उसमें रिप्लेस कर दिए थे, सेम इज हेयर नाउ। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये समझना है एल्डिहाइड और कीटोन्स में रिएक्शन कैसा होता है। मैं इस पे ज्यादा कचरा करूंगी नहीं, अगर करूंगी तो मैं उसको अंडू कर दूंगी, बट पहले समझ लो फिर मैं टाइम दूंगी, नोट कर लेना। अगर आप देखें एल्डिहाइड और कीटोन में ये चीज मेरे पास कॉमन है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप दोनों में, और जब कहीं पर पाई बॉन्ड होता है तो उससे वीक, उससे लेबाइल कोई चीज नहीं, वो सबसे पहले टूटेगा। क्यों टूटेगा? बाहर से किसी को देख के टूटेगा, या कह लीजिए कोई एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए खुद ही टूटने को तैयार है। तो होगा क्या, ये पाई बॉन्ड इस एरो के हिसाब से टूटा, राइट। इस एरो को अगर आप देखें तो ये मैंने पाई बॉन्ड तोड़ा, पाई बॉन्ड तोड़ा, ऑलरेडी डिसाइडेड है बंटवारा ऑक्सीजन के ऊपर पेयर जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। बॉन्ड बनाने के लिए वो बेचैन होता है जिसका ऑक्टेट पूरा ना हो, राइट। इसमें ऑक्टेट किसका अधूरा है, कार्बन का, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है वो बात अलग है, उस पे नेगेटिव चार्ज है, वो भी खुश नहीं है,
लेकिन ज्यादा दिक्कत किसको हो रही है, जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। नंदिनी आई विश आप आगे आके बैठो, या यहाँ या यहाँ, ठीक है, सो दैट आई कैन सी आप नोट्स बना रहे हो कि नहीं, सभी लोग, बट अभी समझ रहे हैं आप। सो कार्बन पॉजिटिव मीन्स उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये आसपास ढूंढेगा, कोई है तो प्लीज आओ और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट करो। आसपास मैंने पहले ही क्या डाल दिया, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग, मीन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज, हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो किसको देख के भागेगा, कार्बन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जो कि कार्बन है। ये वो सेंटर है जिसको मैं कह सकती हूं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रोड्यूस हो गया। एल्डिहाइड कीटोन में हर वक्त एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रोड्यूस होने को तैयार बैठा है। आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिक भी तो हुआ हुआ, लेकिन ज्यादा डेस्परेट कौन है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रोड्यूस होके तूफान मचा देगा कि आई वॉन्ट समबडी, आई वॉन्ट माई ऑक्टेट टू बी कंप्लीट। तो आसपास जो भी एजेंट आप दोगे उसके अंदर से न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट होके गया और देखो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल गया, उसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, ओ तो जो लगा हुआ था सो लगा हुआ था। यानी पहला स्टेप, बुक्स ने पहला स्टेप ये बीच की चीज गायब कर रखी है, सीधा वो बना रखा है एनसीईआरटी ने। मैंने बीच की चीज इसलिए बनाई कि आपको पता लग जाए हुआ क्या। फर्स्ट स्टेप इज क्रिएशन ऑफ अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफिलिक एजेंट। एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन के तौर पे जनरेट हुआ, उसको देख के न्यूक्लियोफाइल उस पे अटैक करता है। ये चीज हुई पहला स्टेप। अगर अब आप देखें इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, sp2 माने प्लेनर, मेरे हाथ के प्लेन में, आपके हाथ के प्लेन में, आपके कॉपी के प्लेन में आ गया। न्यूक्लियोफाइल इसको ऊपर से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल इसको नीचे से भी अटैक कर सकता है, वो मैं रिएक्शंस के वक्त कराऊंगी, लेकिन यस कहीं से भी कर सकता है। सपोज मैंने इसको यहां से अटैक करा दिया, यानी एल्डिहाइड और कीटोन पे रिएक्शन होने का रीजन क्या है वो देखिए, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। एल्डिहाइड कीटोन पे अगर रिएक्शन होगा तो यही होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, जो नेगेटिव चीज मिल रही है चुपचाप उस पर लगा देनी है बिना इफ्स एंड बट्स के। तो वही मैंने यहां पर किया, लेकिन अभी ऑक्सीजन भी परेशान तो है, ठीक है यार मेरा ऑक्टेट पूरा था, बट इट डजंट मीन कि आप मेरे को चार्ज के साथ छोड़ दो। तो ये न्यूक्लियोफाइल किसी ना किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ के आया होगा, अगर HCl है तो Cl इज न्यूक्लियोफाइल, लेकिन H तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो भी सोल्यूशन में घूम रहा है। फिर क्या होगा सेकेंड स्टेप में, वो जो इलेक्ट्रोफाइल घूम रहा था ना वो आया और इस O नेगेटिव के साथ जुड़ गया एंड दिस। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था, अभी समझ रहे हैं अभी लिख नहीं रहे, पहला स्टेप था मेरे पास प्लेनर एल्डिहाइड या कीटोन का नॉन प्लेनर फॉर्म में कन्वर्ट होना बाय अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो कार्बन के ऊपर जनरेट हुआ। दूसरा स्टेप क्या था, खाना पूर्ति। अब ओ नेगेटिव बचा है, उस ओ नेगेटिव को कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, जनरल इलेक्ट्रोफाइल जो है वो प्रोटोन होता है, इसलिए मैंने यहां प्रोटोन लिख दिया, नहीं भी होगा तो इलेक्ट्रोफाइल, वो आएगा और वो इस ओ के साथ OH या OE जो भी बना लेगा। यानी इतने बड़े मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर दे रखा है, इसी तरह के डायग्राम से मैंने वहीं से उतारा है। इस सारे में ओवरऑल क्या हुआ, छोड़ो मैकेनिज्म, ओवरऑल बिफोर एंड आफ्टर मेरे को क्या करना है। जैसे आप एल्कीन में देखते हैं, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़िए, एक सी पे ये टांग दिया, दूसरे सी पे ये टांग दिया, मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको, यहां वो झंझट भी नहीं है, यहां सिर्फ एक चीज है, ये वाला पाई बॉन्ड तोड़िए, राइट, नेगेटिव चीज कार्बन पे लगा दी क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना है, और पॉजिटिव चीज ऑक्सीजन पे लगा दी और ये बन गया। करना आपको अब कीटोन्स के रिएक्शन, एल्डिहाइड के रिएक्शन में यही काम है, प्रोडक्ट आपको इसी से, कोई शिफ्ट्स नहीं, कुछ नहीं, राइट, आएंगी तो बनाएंगे, ऐसा मैं गलत कहूंगी अगर कोई शिफ्ट्स नहीं, कार्बोकैटायन तो बना ही है बीच में, राइट, तो आएंगी, बट वो अलग ही तरह का कार्बोकैटायन है जिसमें साथ ऑक्सीजन है, तो इट इज गोइंग टू हैव सम डिफरेंट प्रोसीजर। सो अभी के लिए पहले आप ये समझिए एल्डिहाइड और कीटोन्स पर होता क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज में। एक ही प्रॉपर्टी का टारगेट है आज, वो है ये, ज्यादा बड़ा टारगेट मैं लेके ही नहीं आई, वो है ये, और इसको क्या नाम दूंगी अब मैं, अब आप नोट कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हुआ क्या है, डबल बॉन्ड पे एड ही तो हुआ है एक रिएजेंट, और वो स्टार्ट किसने किया, न्यूक्लियोफाइल के एडिशन ने,
इसीलिए इसका नाम रख दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मनराज है इस वक्त मेरी क्लास में? यस मैम। ओके, क्या बात, ऑफलाइन आना क्यों छोड़ दिया वजह? मैम वो फिजिक्स क्लास थोड़े ऑनलाइन चल रही थी इसलिए मैं फिर ऑनलाइन लगा लिया केमिस्ट्री। फिजिक्स की क्लास का टाइम क्या है? 11:45 to 1:45। अच्छा, बस एक घंटे की हो रही है आजकल? नहीं नहीं मैम, 11:45 to 1:45। सॉरी। तो अच्छा, 1:45 से अगर तुम घर से चलो तो तुम 2:30 बजे तक यहाँ पहुँच नहीं पाते? नहीं नहीं वो तो आ दूंगा, पर हाँ क्या थोड़ा आलस आ जाता है। अरे यार कोई बात नहीं। मैम समझ आ रहा है पर ऑनलाइन में भी नहीं समझ तो आ रहा है, ये मैं डाउट नहीं कर रही अब। ऑनेस्टली आई एम नॉट डाउटिंग दिस, जस्ट कि मेरे सामने हो जाते हो तो मैं पूछ पाती हूँ और आप पे थोड़ा सा असर डाल पाती हूँ। अगर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो आई डोंट वॉन्ट टू इंटरप्ट। मुझे इस बार टेस्ट जो तुम ऑफलाइन दोगे उसमें नंबर चाहिए मनराज, सब शिकायतें खत्म। ठीक है? ओके। आलस और कंफर्ट दो ऐसी चीजें हैं जिसको हम सबसे बंजर मानते हैं, जहां कुछ उगता नहीं है। आई एग्री, मुझे भी आता है, इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि आपको क्यों आ रहा है, बट पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, बाकी सब चलेगा। सो आई होप एवरीबडी नोटेड दिस, ओवरऑल जरूर नोट कर लेना क्योंकि आगे की रिएक्शन में प्रोडक्ट तुमने मैकेनिज्म से थोड़े बताने, तुमने बताने ओवरऑल। यस, कहीं ना कहीं मैकेनिज्म से बताने पड़ेंगे, वो मैं बात करूंगी, वो मैं खुद करवाऊंगी। करिए इसको नोट। सो यहां पर करते करते ऑब्जर्व भी करिए, शुरू हुए थे हम एक प्लेनर कीटोन से और एंड हुआ एक नॉन प्लेनर टेट्राहेड्रल प्रोडक्ट पे, और जो इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट कौन सा है? ये वाला, दिस इज इंटरमीडिएट। अभी इस पे चार्ज है ना, ये है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन सा बना? टेट्राहेड्रल। शुरू हुए प्लेनर पे इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल, ऑफकोर्स प्रोडक्ट भी टेट्राहेड्रल है। अब आप ये देखिए, इस प्रोडक्ट पे जरा ध्यान दीजिए, अगर इस प्रोडक्ट के चारों डिफरेंट हो गए ना ग्रुप्स, ये चारों के चारों ग्रुप्स अगर डिफरेंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ये एनेंशियोमर होगा। तो यानी यहां पर डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों बन सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों, रेसमिक मिक्सचर। अगर प्रोडक्ट बना के आप देखोगे आज की क्लास में चारों ग्रुप डिफरेंट आएंगे तो उसके नीचे प्लीज हर रिएक्शन में अब जो मैं कराऊंगी लिख लेना, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। राइट, कैन आई चेंज द स्लाइड? नंदिनी नोटेड, खुशी नोटेड, एवरीवन। चलिए अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स करें खूब सारे, और आज का सिर्फ एक ही रिएक्शन टारगेट है, और इस कैटेगरी में शायद चार ही रिएक्शन आते हैं, चार या पांच, ज्यादा नहीं है। तो खैर मैं इस रिएक्शन को थोड़ा और पहले समझ लूं फिर एग्जाम्पल्स लेके आती हूं। आपने देखा पिछली स्लाइड पे, और क्योंकि समझाने के बाद नोट करने का टाइम दिया तो अपने दिमाग में ही उसको स्कैन करिएगा जो आपने लिखा, कॉपी में मत देखिएगा। आपने पिछली स्लाइड पे क्या देखा? आपने देखा एल्डिहाइड या कीटोन के सी डबल बॉन्ड ओ के ऊपर कार्बन पर, क्योंकि डबल बॉन्ड घूमता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। राइट, यही चीज देखी। उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियोफाइल अटैक करने पहुंचता है, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को पहुंचता है। आखिर सी डबल बॉन्ड ओ के पाई बॉन्ड को क्यों पेट में दर्द हुआ, वो क्यों टूटेगा? क्योंकि उसको सामने टेस्ट ट्यूब में न्यूक्लियोफाइल दिखाई दे रहा है, उसके इन्फ्लुएंस में होगा। मान लीजिए अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कमजोर हुआ तो क्या होगा? रिएक्शन पुअर हो जाएगा, रिएक्शन यील्ड कमजोर हो जाएगी, रिएक्शन ढंग से होगा नहीं। कि मेरे को ये वाले रिएक्शंस जो अब कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, हमेशा स्लाइटली एसिडिक पीएच क्यों रखना चाहिए? सजल, गो एंड हैव वाटर, कोई बात नहीं, ऐसा मेरे साथ भी होता है। स्लाइटली एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए मेरे को? क्योंकि ये प्रोटोन, अगर थोड़ा सा आपने एसिडिक पीएच दे दिया, प्रोटोन जाएगा ओ को प्रोटोनेट कर देगा, जिसके चक्कर में ऑफकोर्स ये बॉन्ड टूटा। अब तो ये कार्बन पॉजिटिव पक्का आएगा ही आएगा, न्यूक्लियोफाइल चाहे कमजोर है, सिग्नल नहीं दे पाया। हमने पहले ही स्लाइटली एसिडिक मीडियम डाल के इस कार्बन पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को बना के एंश्योर कर लिया, भाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो बनेगा, न्यूक्लियोफाइल को अब यहां आना पड़ेगा, वो चाहे कितना सुस्त हो, कितना वीक हो, कितना कमजोर हो। आज की क्लास में तिनका कॉम्पिटिशन का नहीं पढ़ा रही हूं,
सारा का सारा बेसिक एनसीईआरटी पढ़ा रही हूं, इसलिए सब लोग बहुत इंटैक्ट रहिएगा. यानी कि वीक न्यूक्लियोफाइल कैन ऑल्सो अटैक विद द हेल्प ऑफ एसिडिक पीएच, कैन ऑल्सो अटैक इफ स्लाइटली एसिडिक पीएच, ज्यादा नहीं, स्लाइटली एसिडिक पीएच हम लोग यूज करें तो. तो उसकी वजह से आपको पता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और स्ट्रांगली प्रोड्यूस होगा, और स्ट्रांगली प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा. इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, फिर न्यूक्लियोफाइल को उससे जोड़ने से कोई नहीं रोक सकता. क्लियर? चलिए अब एक और चीज इसी रिएक्शन को लेके, ये वाला रिएक्शन जो हमने शुरू किया विच इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे कि कीटोन्स? रिएक्टिविटी. यानी हम क्या डिस्कस करने वाले, हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्टिविटी. तो अब अगेन आई सजेस्ट, ये वो चीज है जिसका लिख के कोई फायदा नहीं है, समझ के ज्यादा है, लिखना बहुत छोटा ज्यादा नहीं. मेरे इलेबोरेशन को सारा लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, पता लगता है आप लिखते ही रहते हैं, दिमाग नहीं चलता. ये अपने दिमाग पे चलिए, अपनी किताब पे नहीं, सुनिएगा. रिएक्टिविटी का यहां पर एक ही चीज होने वाली है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जितना स्ट्रांग वो चीज उतनी ज्यादा रिएक्टिव. जो भी एल्डिहाइड कीटोन आपके सामने मैं रख दूं, वो एल्डिहाइड या वो कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होगा इस रिएक्शन में जिसका कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्ट्रांग हो. मैंने ऊपर जो स्टेटमेंट लिख दी अभी उसको इग्नोर करिए. मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो वजहों से ढूंढते हैं हम कौन सा ज्यादा रिएक्टिव. मैं आपके सामने एक बना रही हूं एल्डिहाइड और एक बना रही हूं कीटोन. दोनों में सी डबल बॉन्ड ओ कॉमन है तो दोनों में जी न्यूक्लियोफाइल तो आएगा अटैक करने, दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी बनेगा. लेकिन अब मुझे क्या देखना है, किसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वीक या किसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर स्ट्रॉन्ग. कीटोन में मैं क्या देखती हूं, दो दो मिथाइल ग्रुप एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बैठे हैं, दोनों अपने थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन देके कार्बन की डेस्पिरेशन या उसकी भूख या उसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे, जिसकी वजह से ये वाला कार्बन, कीटोन्स वाला कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा. कीटोन वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिसिटी में कम हो गया, उसकी ताकत कम हो गई. लेकिन एल्डिहाइड में क्या है, सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट है. वहां दो दो थे प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले, तो इसका जो सेंटर है वो मोर पॉजिटिव रहा. तो कैन आई से एल्डिहाइड रिएक्ट्स फास्टर एज कंपेयर टू कीटोन, जो ऊपर लिखा है, अभी लिख रहे, अभी दो तीन केसेस बता रहे हो मेरे को. एक और बनाती हूं आपके सामने. अब तीन हो गए, एक ये और ये तीसरा. कौन सा सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा? थर्ड वन. उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली चीज नहीं है, नो प्लस आई इफेक्ट. तो ये तो हाईली रिएक्टिव होगा उन दोनों से. तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये उन दोनों से ज्यादा रिएक्टिव. यानी पहली चीज तो आपने ये देखनी है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. कीटोन हमेशा वीक होंगे रिएक्शन में एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स अंडर दिस कैटेगरी, हमेशा. ये गांड बंद गई तो दूसरा फैक्टर भी देख लेते हैं. एनसीईआरटी ने दोनों दिए हैं और पता भी होने चाहिए. दूसरा फैक्टर थोड़ा आसान है और इस पे बाद में आइएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे पहले आइएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस. अब मैंने फिर आपके सामने एक एल्डिहाइड बना दिया, एक कीटोन बना दिया. होना क्या इस रिएक्शन में, एक न्यूक्लियोफाइल ने आना है जुड़ने, यही होना है. इस कार्बन पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, ऐसे ही इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव. एक न्यूक्लियोफाइल जब जुड़ने आएगा, यहां उसको एक साइट फ्री मिल रही है, लेस बल्की ग्रुप, छोटा सा हाइड्रोजन. लेकिन कीटोन को अटैक करने आएगा, दोनों ही साइट बल्की है, कहां से अटैक करेगा, थोड़ा तो रेजिस्टेंस होएगा. यहां पर बोथ बल्की, दोनों ग्रुप्स बल्की हैं, इट ऑफर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस एज कंपेयर टू एल्डिहाइड. राइट मल्हार, कहीं और है मल्हार, पक्का? मतलब वो तो ठीक है, लेकिन जब पलके नहीं झपक रही होती ना किसी की, तो पता लगता है देख तो यूं रहे हैं.
फिर वो कहीं और हो जाते हैं. चलो मे बी. सो कीटोन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्डिहाइड और एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन. टू रीजंस. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, अदर स्टेरिक. पहले इतने को संभाल लेते हैं आप. अभी मैं संभलवा दूंगी, वैसे तो नोट करने का टाइम दूंगी, शॉर्ट में ही नोट करना. ये दो कीटोन दे दिए मैंने, ये दो कीटोन आपको पकड़ा दिए. कोई बता सकेगा मेरे को कौन सा ज्यादा रिएक्टिव? सेकंड. सेकंड क्यों? वजह? इतने मिक्स्ड आंसर्स, नाइस. थोड़ा और कंफ्यूज करते हैं, फिर आएंगे आंसर पे. अभी कुछ लोग सही दे रहे हैं, कुछ गलत. थोड़ा सा कंफ्यूजन और लाती हूं मैं. वेट, डीएनपी 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन, एडिशन ऑफ एचसीएन तो हो ही जाएगा, उसके बाद वो तो हो जाएगा. हाँ, डीएनपी तक ही होगा बस, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव डीएनपी तक. हाँ, डाल दो एक क्वेश्चन. हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा और कंफ्यूज होते हैं. मैंने आपको कहा ये क्यों मैंने कहा कंफ्यूज होते हैं, एनसीईआरटी का सॉल्वड इन टेक्स्ट क्वेश्चन है. इतने सालों में हर बार जब ये टॉपिक आता है, मैं अपनी क्लास से बात करती हूँ, आप लोग बताओ आपका गैस क्या है, 99.9% उल्टा ही जाता है. फिर एक्चुअल उसका रीजन पता चलता है जो थोड़ा सा अलग है. That is why NCERT ने इसको बड़ा बहुत बड़े पैराग्राफ में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में सॉल्व करके दिया है. जितना हम अब तक पढ़ के, हमने अब तक एक चीज सोच ली, भाई इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को जो वीक कर देगा वो चीज कम रिएक्टिव, जो इसके पॉजिटिव चार्ज को और स्ट्रॉन्ग कर देगा वो इसको ज्यादा रिएक्टिव बनाएगा. अब तक तो हमने यही देखा कि भाई ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और पे और डेंस होना चाहिए रिएक्टिविटी के लिए. सेम ये चीज मैं एरोमेटिक पे लगाऊं. अब बच्चों से जो मैं पूछती हूं हर साल और उनसे जो जवाब आता है वो सुनिए क्या आता है, कि भाई इसके अंदर जो है बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा और फिर रेजोनेंस की तो ट्रेल चालू हो जाती है. रुको यार, रुको रुको, जल्दी नहीं, वो कंफ्यूजन तुम्हारे सामने आ जाने चाहिए जो होते हैं बच्चों के साथ, कि ये हो जाएगा तो कार्बन पे वैसे भी आप देखिए कोई डेफिशिएंसी क्रिएट ही नहीं हुई. डेफिशिएंसी तो तब क्रिएट होती है जब बॉन्ड टूट के किसी और पे चला जाए. ये तो बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आ गया, लो जी यहाँ भी डबल बॉन्ड, या वहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, नहीं जी ये तो बहुत कम रिएक्टिव होना चाहिए. नो, ये बिल्कुल भी वजह नहीं है. वजह अब आप इसमें देखिए क्या है. गलती क्या करी मैंने पहले वाले में, मैंने एरो किधर बनाया, रॉन्ग साइड पे बनाया. कार्बन और ऑक्सीजन में जब जब पाई बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ही जाएगा. एक गलती तो मैंने ये करी कि मैंने फ्लो फ्लो में उल्टा बनाया, व्हाट स्टूडेंट्स यूज टू डू. दूसरी चीज ये आती है फिर कि ऐसा होगा जी, अब आप मुझे बताओ जब ये इधर लेके जाएगा, इसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज एक मिनट को भी आ रहा है, अब तो पॉजिटिव चार्ज घूम गया बेंजीन रिंग पे, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं पाया. उस हिसाब से अगर मैं इसको कंपेयर करूं नॉर्मल एल्डिहाइड से, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट एल्डिहाइड राइट नाउ, तो कीटोन की तरफ मत जाइएगा. अगर मैं इसके सामने नॉर्मल एल्डिहाइड रख दूं, CH3 C डबल बॉन्ड O H, यहां पॉजिटिव आएगा, वहां पॉजिटिव नहीं आया. आया भी तो बहुत कम टाइम के लिए, जिसको कि हम कंट्रीब्यूटिंग नहीं मान सकते उतना ज्यादा, क्योंकि आया पॉजिटिव चार्ज, उसको पूरा करने के लिए ये बॉन्ड चल पड़ा. तो आई कैन से नाउ मेकिंग सी पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोफिलिक. व्हाट इज मेकिंग सी पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोफिलिक इन दिस केस? रेजोनेंस. रेजोनेंस की वजह से यहां पर सी पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो गया. इसकी वजह से कैन आई से नाउ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव इन दिस कैटेगरी एज कंपेयर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड. इतने को नोट करिए, फिर पिछली कंफ्यूजन पे वापस पहुंचते हैं.
ओके, पिछले वाला पहले नोट करना है, बिल्कुल पहले वो नोट कर लीजिए, लेट मी शो यू, क्योंकि मैंने एकदम शिफ्ट कर दिया था इसको और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करिए इसको. दिख रहा है सबको? ऋतिक पीछे दिख रहा है और करूं? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी. लो जी करिए नोट, मैं फिर इसका नीचे का हिस्सा भी दिखाती हूँ, फिर अगली स्लाइड भी. अब समस्या इसकी थी, सेम रीजन लग जाएगा इस पे भी क्या? अरे भाई बड़ी स्लो नोट करते हो तुम लोग. लो लो लो, आए हाय हाय. अब पिछले वाला जो इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे, यानी नेक्स्ट स्लाइड जो थी उस पे लौटूं, उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ गया हो, अब तो पता लग ही गया ये रिंग क्या कर रहा है. ये रिंग इसके पॉजिटिव चार्ज को वीक कर रहा है. यहां पर फिर से आप लिख सकते हैं वीक पॉजिटिव चार्ज, और उसकी वजह आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, जिसकी वजह से ये वाले एरोमेटिक एसीटोन और कम स्टेब और कम रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू एलिफेटिक कीटोन. रीजन वही है, ठीक है. सो अगर ये नोट, अब ये स्लाइड आई होप आप सबके पास आ गई. नेक्स्ट पे जो मैंने कहा था और कंफ्यूजन लाते हैं, अब उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं, तो इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए. एरोमेटिक एल्डिहाइड वाले मैंने आपको बता दिया. एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन, सारा डिस्कशन करने के बाद जो नीचे मैंने ऑर्डर लिखा उसमें कुछ रब करूंगी अभी, मेरे से पहले मत लिख लेना उसमें. आई एम गोइंग टू डू सम चेंजेस, राइट. अभी इसमें मेरे को कुछ चेंज करना है, आप सजेस्ट करोगे चेंज, आप इसे करवाती हैं. अब इससे पहले आप चाहो तो अपने लिए फॉर योर ओन रिकॉर्ड फॉर्मेल्डिहाइड भी लिख सकते हो, HCHO, वो तो सबसे ही ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है. मैंने क्या लिखा? इथेनल, देन लिखा एसीटोन, देन लिखा बेंजल्डिहाइड, देन लिखा ऐसा कीटोन जिसके दोनों ही साइड एरोमेटिक है. कैन एनी वन ऑफ यू सजेस्ट एनी चेंज और इज इट करेक्ट? मेरी तरफ से गलती है इसके अंदर, मुझे चेंज चाहिए आपसे. एक चैट बॉक्स में देख रही हूं मैं, कोई दे मेरे को जवाब. एल्डिहाइड्स हर सूरत में कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, उनके पास एक साइड लेस बल्कि एच पड़ा हुआ है. एल्डिहाइड चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, हर सूरत में वो कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होगा. तो यहां पर क्या चेंज चाह रही हूं मैं? एल्डिहाइड पहले आने चाहिए दोनों, फॉर्मेल्डिहाइड खुद लिख लीजिएगा अगर जरूरत लगे तो, दिस और उसके बाद कीटोन. कैसे लिखूं मैं? ऐसे लिख देती हूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, कोई भी एलिफेटिक कीटोन. एंड में आपके पास आ गया, राइट प्रखर, एंड में आपके पास आ गया दोनों साइड एरोमेटिक वाला कीटोन. इन दोनों में फर्क क्या हुआ था? इन दोनों एल्डिहाइड्स में वीक सी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव चार्ज वीक हो गया था, इसके अंदर वीकेस्ट सी पॉजिटिव, दोनों ही साइड बेंजीन रिंग आ गए. जितना सी पॉजिटिव वीक होता गया उतना ही ये रिएक्शन में इसका इन्वॉल्वमेंट कम होता गया, रिएक्टिविटी कम होती गई. क्लियर? अब तुम लोग मेरे को एक लास्ट ट्रेंड बता रहे हो सभी लोग. ये जो ट्रेंड अब मैं दे रही हूं ये एनसीईआरटी के लिए मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही, ये कॉम्पिटिशन वालों के लिए, अगर बेसिक सारा समझा हो तो. ओनली फॉर कॉम्पिटिशन गिव मी दिस ट्रेंड. बिना देर लगाए, क्योंकि काफी देर मैंने समझाने में लगा दी है. मुझे बताइए इसमें सबसे रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बातें नहीं. जो लोग नहीं कंपटीशन वाला कर रहे हैं वो तब तक उतनी चीज को एब्जॉर्ब करें, उसी के बेसिस पे चार रिएक्शन अब मैं लाने वाली हूं. लीस्ट एंड मोस्ट वही बता दो. देखो तीन तो एल्डिहाइड है एक कीटोन है, तो सबसे बढ़िया तो सबसे पहले मैंने देख लिया जो कीटोन है ना उसको तो सबसे पीछे लिख दिया. उसके बाद सेकेंड क्यों? NO2 is electron withdrawing, minus R effect.
वो इतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इस कार्बन को और डेफिशिएंट बना रहा है, तो सबसे ज्यादा मुझे दिखा सेकंड मनराज, कोई मनहार और मनराज दोनों पूछना तुमसे था, नाम से मिलर से हैं, दोनों लोग बताओ मेरे को सेकंड मोस्ट। ओके ठीक है प्रखर भाई, सेकंड मोस्ट हो गया, फोर्थ लीस्ट हो गया, फर्स्ट और थर्ड एडजस्ट करवाओ। फर्स्ट ज्यादा होगा क्योंकि थर्ड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ गया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो उसके कार्बन के पॉजिटिव को कमजोर कर देगा, तो चेक मी इफ आई एम रॉन्ग। क्लियर है? तो हमेशा आप देखो कीटोन देखते ही मैं सबसे पहले उसको पीछे कर देती हूं, तो यही चीज अब आपको फॉलो करनी है। डन। तो ये एक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड था। अब आ जाते हैं हम आज के इस रिएक्शन को खत्म करने की साइड, इसके चार एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने दिए वो सिर्फ वही चार लूंगी आज। जी 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 भाई, इसमें फर्स्ट और सेकंड में अगर तुम देखो तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाली स्पीशीज इसके पॉजिटिव को और पॉजिटिव बना रही है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव इसलिए सेकंड पहले। अब आती है बारी फर्स्ट और थर्ड की। फर्स्ट में जो था पॉजिटिव था, थर्ड में भी जो था पॉजिटिव था, लेकिन उसको वीक करने के लिए इसने अपनी तरफ से थोड़ा सा मैसेज भेज दिया। ठीक है, क्लियर? ओके, मचाते रहो तुम लोग, लो देखो फिर मैं अब इसको, चार रिएक्शन का इरादा है जिसमें एक दो तीन चार, यस ओनली फोर रिएक्शन अंडर दिस कैटेगरी। हां जी यश, हो गई ड्राइंग श्राइंग? मैं वाटर कलर तो नहीं कर रही हो ना? अच्छा दिखाई नहीं थी, आई एम सो सॉरी, लेट मी डू दी ऑनर्स देन। भाई ये लोग कह रहे हैं मैंने दिखाई नहीं थी, अब देख लो ये कौन बहती गंगा में हाथ धो रहा है, पिछली भी ये मास्क में उनको तो पता भी नहीं चल। अच्छा शाबाश, गुड। हाँ जी हो गया सबका। अब ये सारे पेजेस जो हमने भरे, तुम लोगों ने लिखा मैंने लिखा, उसका नतीजा एक ही था, और उसका नतीजा था एल्डिहाइड और कीटोन्स पे एक ही कैटेगरी का रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं आज, और वो पढ़ रहे हैं उसके कार्बन पॉजिटिव सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना। बस आज आपने अब इन रिएक्शंस में यही करते जाना है, साथ साथ डिटेलिंग आपको देती जाऊंगी। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN, HCN में पहले तो मेरे को पहचानना है न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, वेरी इजी, ये हम एल्काइल हैलाइड में भी करके आ चुके हैं, तो वही काम करिए बिफोर एंड आफ्टर वाला। अब मेरे को वो कोई अटैक और प्लेनर नॉन प्लेनर नहीं चाहिए, राइट? टोरिका मुझे बताओ कार्बन पे क्या चुड़ेगा जाके, कोई भी अपनी गर्दन को सपोर्ट देके ना बैठे, हाथ का अपनी रीढ़ की हड्डी के सहारे बैठना है सबने। हां जी ओरिका, कार्बन के ऊपर कौन सी चीज लगेगी? एच के सी एन, सी एन कार्बन पे प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन हुआ पॉजिटिव, सी एन हुआ नेगेटिव। तो उस हिसाब से अगर मैं चलूं तो चाहे मैं एल्डिहाइड ले लूं चाहे कीटोन, एच और आर का मतलब ये आपकी मर्जी, आप एल्डिहाइड लिखो, आपकी मर्जी आप कीटोन लिखो, कॉमन रिएक्शन है, कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए दो साइड को तो मैं शायद ना ही लिखूं, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सी पर जाके जुड़ गया सी एन, और वो जो ओ नेगेटिव था उस पर कौन जुड़ जाएगा जाके? एच पॉजिटिव। ये क्या बन गया? एक ही कार्बन पर नाइट्राइल और उसी कार्बन पर OH, एक नया ही फंक्शनल ग्रुप कहलाता है जिसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज आप इस चैप्टर की जैसे ही शुरू करोगे, पहले क्वेश्चन आपके नॉमनक्लेचर पर नहीं है, पहला क्वेश्चन है डिफाइन साइनोहाइड्रिन, राइट? साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन होता है एक ही कार्बन पर सीएन और OH दोनों का होना, और ये किससे बनता है? आप चाहे एल्डिहाइड लीजिए चाहे कीटोन लीजिए, उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा दीजिए HCN से, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, राइट? अब चैप्टर फर्स्ट में हम एक चीज करके आए हैं, मैं एनसीईआरटी की बात कर रही हूं, कुछ भी कंपटीशन का आएगा अलग से बताऊंगी। ये जो सी एन फंक्शनल ग्रुप होता है साइनाइड,
खुशी याद दिलाओगे मेरे को संगीत यश, इसका अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए एसिडिक सी ट्रिपल बॉन्ड एन का, सचिन प्रत्यक्ष एनी वन ऑफ यू क्या बनता है? प्रखर कशिश सी ओ ओ एच, इतने लोगों का जवाब आता है तो इससे लगता है कुछ तो पढ़ी रहे, राइट right? बिल्कुल सही, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाता है? एसिड। एक ही कार्बन पर ओ एच और एक ही कार्बन पर एसिड, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग। तो क्या इंटरेस्टिंग है, लेट मी टेल यू, मैं अभी इसका एक रिएक्शन लेती हूं। ऐसे एसिड्स को हम क्या कहते हैं, ये कन्वर्जन में बहुत काम आने वाला है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। भाई एसिड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के होते हैं, बाकी तो सारे प्रीफिक्स बन जाएंगे। जिस कार्बन पर एसिड लगा है उसी पर हाइड्रोक्सी, ये अल्फा, जिस फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है उसी के ऊपर OH है, तो इट इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। ये एसिड काइरल हो सकता है, जैसे कि इसी केस में मैंने ये कर दिया होता, यही जो रिएक्शन चल रहा है, मैं एल्डिहाइड पे ले लेती हूं, कीटोन पे भी ले सकती थी बट मैंने एल्डिहाइड पे ले लिया, यहां H आया, यहां H, यहां CH3, बताओ काइरल होगा? ये चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए, बिल्कुल होगा जी, काइरल के लिए हमने एक ही तरीका की एक स्टार बना देते हैं, यानी इसके प्रोडक्ट में दो बनेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। ये क्या बनाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ एनसीईआरटी एट ऑल। तो यहां पर फिर रेसिमिक मिक्सचर आपको मिलने का पूरा चांस है, और बाय चांस जो मैंने आपको बताया है वो क्या बनाई है चीज, ये लैक्टिक एसिड वर्ड सुना है आप लोगों ने? कहां सुना है? यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट तो पता है मेरे को, वैसे बता दो मेरे को, थोड़ा एनलाइटन करो। कर्ड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं होता कर्ड में, और वो क्या करता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, राइट? लैक्टिक एसिड क्या करता है? कोई भी एसिड, सार इन टेस्ट, तभी कहते हैं जब मिल्क सार हो जाता है तो वो दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है, राइट? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट इन आर बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो आएगा, लेकिन ये जो मैंने बना के दिया है, दिस इज लैक्टिक एसिड, इसका IUPAC पूछना इस चैप्टर का हिस्सा है, लैक्टिक एसिड का IUPAC नेम पूछना इस चैप्टर का हिस्सा है, क्योंकि इस चैप्टर का अगला पार्ट जो अगली क्लासेस से शुरू होगा वो होगा एसिड्स। सबसे पहले मैं इसका IUPAC कराऊंगी एनसीईआरटी से उठा के, तो आज एनसीईआरटी से उठा के आपसे IUPAC नहीं पूछ रही, लेकिन लैक्टिक एसिड कहां बना है वो बता रही। किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को आप HCN से कराएंगे, एंड में जाके अगर आपने उसका एसिड हाइड्रोलिसिस भी करा दिया तो उससे हमेशा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स बनेंगे, जैसे कि लैक्टिक एसिड। तो अभी जो रिएक्शन हम पढ़ रहे थे वो इतने ही तक था, वो तो मैंने एक आगे एक चीज और बता दी आपको, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कीटोन और एल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन पे खत्म, एक रिएक्शन ये था हमारे पास, एडिशन ऑफ HCN। दूसरा रिएक्शन लिख लिया, पहले वाला रिएक्शन है मैंने दिखाना है, लिख लिया, गुड। दूसरा रिएक्शन देखिए, एडिशन ऑफ NaHSO3। आप अब जितने भी मॉक टेस्ट देखेंगे जिसमें टर्म टू के, जिसमें आपको ये चैप्टर मिलेगा, इस वाले रिएक्शन के बिना टेस्ट बन नहीं पाता, खासकर जब इस चैप्टर से हमें 5 क्वेश्चन देने की फ्रीडम हो। एडिशन ऑफ NaHCO3, पहले तो NaHCO3 का नाम आना चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट दिया, करना वही है, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, जोड़ दीजिए, तो जोड़ती हूं आपके साथ, ठीक है, ओ के साथ जाके क्या जुड़ जाएगा, एनए, देखना मैं सही कर रही हूं, और यहां आके क्या जुड़ जाएगा, ओ के साथ तो एनए जुड़ गया, अब इसमें से एनए हटा दूं तो क्या बचता है, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको इरेज करके अलग तरीके से लिख रही हूं, आप लोग मेरे से पहले लिख सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक है, OSO2H लिख दूं, HSO3 को H से तो जुड़ नहीं सकता ना, इसलिए H शुरू में नहीं लिख सकती थी, तो SO3 को तोड़ के मैंने लिख दिया OSO2H। ये बनता है एक एडिशन प्रोडक्ट, जब दो चीजें जुड़ जाती हैं और एक बनता है तो उसको कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट।
लेकिन सोडियम और हाइड्रोजन में हमेशा कंपटीशन रेलम पेल चली है आपस में एक्सचेंज करने की. सोडियम एच को सब्स्टिट्यूट करता रहता है. सोडियम को दिखा यहां एच है, उसको ट्रांसफर करके खुद उसकी जगह पहुंच गया और ये बन गया. फिर इस सोडियम को दिखता है मैं उसको सब्स्टिट्यूट करूं, फिर उधर पहुंच गया. तो ये इनका खेल आपस में प्रोटोन ट्रांसफर चलता रहता है, चलता रहता है. जो एंड में मेरे पास आया ना, वो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है. अब समझिए इस लिखिए मत, दो मिनट रुकिए, दूंगी टाइम. अगर आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहोगे, मैं पढ़ाती रहूंगी, तो ज्यादा खींच जाऊंगी सिलेबस. आज मुझे ज्यादा मत खींचने दो. तो उसका तरीका यही है, पहले समझो फिर लिखो, ताकि स्लो डाउन हो स्पीड. आप इसमें देखिए, अगर एक टेस्ट ट्यूब में आपको एल्डिहाइड के साथ 100 चीजें और मिला के दे दी और कहा एल्डिहाइड सेपरेट करो, आइसोलेट करो, आप क्या करोगे? NaHSO3 डाला, उस NaHSO3 से एल्डिहाइड दौड़ के आएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, फिल्टर पेपर पे छाना, प्रेसिपिटेट को सुखाया और कह दिया लो जी एल्डिहाइड एक फ्लेवरिंग एजेंट था, मुझे चाहिए था, डाल लो जिस चीज में डालना है, ये जिस भी परफ्यूम या डीओ में डालना है डाल लो, ये आ गया वो एल्डिहाइड, उसका ये फ्रेग्रेंस है. यानी ये रिएक्शन मेरे को बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने की बहुत बड़ी एक हेल्प देता है. लेकिन आपने अभी अभी पढ़ा ये वाले रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें ज्यादा एक्टिव है? रिएक्टिव है एल्डिहाइड्स में, कीटोन में कम. अगर आप मेरे को एक एल्डिहाइड और एक कीटोन दो मिक्सचर दे देते हैं और कहते हैं इनको सेपरेट करो, इन दोनों को सेपरेट करो, तो एल्डिहाइड्स क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव हैं, इक्विलिब्रियम वाला स्टेप जो आपके सामने दोनों दिख रहे हैं, एल्डिहाइड्स तो तुरंत राइट हैंड साइड की तरफ भाग पड़ेंगे, रिएक्ट करके व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना के टेस्ट ट्यूब या बीकर के नीचे सेट हो जाएंगे. लेकिन कीटोन, कीटोन आपको पता ही रिएक्ट करते ही नहीं, सुस्ते हैं रिएक्ट करने में, वो अपना लेफ्ट में ही पड़े रहेंगे. यानी कि कीटोन तो पीछे यहां बच जाएगा अनरिएक्टेड ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं इसको रिएक्ट करने की ज्यादा सहूलियतें दूंगी भी नहीं कि मैं अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एडिशन कर दूं ना, मुझे तो सेपरेट करना है. मुझे सेपरेट करना है तो मैं क्या करूंगी, एल्डिहाइड कीटोन का मिक्सचर मेरे को दिया गया, वो मिक्सचर क्या करेगा NaHSO3 के साथ, एल्डिहाइड विल रश टुवर्ड्स राइट एंड प्रेसिपिटेटेड एज दिस, वेयर एज कीटोन विल बी लेफ्ट बिहाइंड. फिर मैं उसको फिल्टर कर लूंगी, जो फिल्टर करके आएगा वो ये आएगा. हम कहते हैं ये एल्डिहाइड तो नहीं है ना, इसको रीजनरेट किया जा सकता है एल्डिहाइड को, वो मैं आपको अगली स्लाइड पे इसके नीचे बताऊंगी. पहले इस बात को एब्जॉर्ब कर लीजिए, नोट कर लीजिए. और इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है, सब्जेक्टिव, क्योंकि ये टर्म टू है, सब्जेक्टिव आएंगे इसके क्वेश्चन, वो डिस्कस करती हूँ आपसे. नोट करिए इसको. मैं एग्जैक्टली एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है वो पढ़ के सुना रही हूं आपको. देयरफॉर दीज आर यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. और क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड्स में, जस्टिफाई एडिशन ऑफ NaHSO3 कैन बी यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड. जस्टिफाई मतलब बताओ क्यों, तो उसमें आपको ये सारा बताना है. अभी मुझे एक चीज बतानी रह गई है कि एल्डिहाइड वापस कैसे रीजनरेट होता है, आप नोट कर ले फिर बताती हूँ. Noted? तो यानी आपने एल्डिहाइड तो 100 और कंपाउंड के साथ मिला पड़ा था, एल्डिहाइड को अलग तो कर लिया, प्रेसिपिटेट बना लिया, बट अब ये जो प्रेसिपिटेट बनाया जिसको मैं पीपीटी लिख रही हूं, पकड़ लेना ये पीपीटी क्या है. कोई भी एसिड दे दो थोड़ा सा, और कोई भी एल्कली दे दो, एल्डिहाइड रीजनरेट वापस आ गया ओरिजिनल. ये बोर्ड का काफी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि इस मेथड को हम प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के लिए क्यों यूज करते हैं. मान लीजिए आप एल्डिहाइड बना के लाते हैं कहीं से, किसी इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री में बन रहा है, लास्ट स्टेप होता है उसको प्यूरिफाई करना, आपने उसको एज अ फूड फ्लेवरिंग एजेंट यूज करना है, यू कांट अफोर्ड इंप्योरिटीज विद इट, तो उसके लिए उसको प्यूरिफाई करना जरूरी है. कुछ और भी कचरा उसके साथ मिला हुआ है, कोई और एसिड मिला हुआ है जो उस फूड आइटम का टेस्ट ही खत्म कर दे बजाय फ्लेवर देने के,
तो मुझे उसको प्यूरिफाई करना जरूरी है, हर चीज को प्यूरिफाई करना जरूरी है. तो प्यूरिफिकेशन के लिए आइसोलेशन के लिए रिएक्शन करते हैं. क्लियर सबको, यहां तक कोई दिक्कत? तो दो रिएक्शन हुए. एनीवन? हाँ जी बोलो, जी बोलो. हम ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करिए. ओके ओके, लिख लो इसको. नहीं हम लिख रहे हैं, मुझे कुछ पूछना है. आपने लिखा है कि NaHSO3 का सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, वो NaHSO सल्फाइट, सल्फाइट होना चाहिए. यस इट इज सल्फाइट, सल्फाइट इट शुड बी सल्फाइट. बिल्कुल सही. चलिए तीसरा रिएक्शन इस कैटेगरी का रिपीट है. मैं सिर्फ हेडिंग लिख रही हूं, आप में से पूछ लूंगी. वॉलंटरली कर दोगे तो आई विल बी हैप्पी. थर्ड, एल्डिहाइड और कीटोन्स कंबाइन, एल्डिहाइड और कीटोन, इसका रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड क्या देता है? एल्डिहाइड और कीटोन ग्रिगनार्ड रिएजेंट साथ क्या क्या बना सकते हैं? पिछला चैप्टर एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से, सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा किसी भी और एल्डिहाइड की वजह से, टर्शरी एल्कोहल बनेगा कीटोन की वजह से. ये एल्कोहल की प्रिपरेशन में मैंने पूरा बार बार कराया. आई एम नॉट इन मोड टू रिपीट, जस्ट एक आपके नोट्स के कंप्लीशन के लिए, याददाश्त के लिए इतना लिख देती हूं कि आप इसको ध्यान रख पाए. CH3 Mg Br, and we know how it goes. अवल तो आपकी अपनी कॉपी में होना चाहिए, खुद से ही मेरी हेल्प आपको हैंडीकैप ना करे. Mg Br and then CH3. उसके बाद ग्रिगनार्ड के बाद फिक्स है हम क्या करते हैं, वॉटर, और उससे क्या बना CH3 CH3 C CH3 OH, और उधर क्या आया Mg Br and OH, बन गया टर्शरी एल्कोहल. सो आई विश आप लोग नोट करने के साथ साथ अपना दिमाग चलाते हो, खुद से बनाए, कितनी भी गलती हो, काट पीट हो, मेरे से कुछ भी सुनना पड़े, काइंडली इग्नोर, वो फायदा ज्यादा देगा. तो थर्ड मेथड, वी हैव ऑलरेडी डन ऑल पॉसिबल थिंग्स इन प्रीवियस चैप्टर, साइक्लिक भी आ गए साथ में, अल्काइल ग्रुप एंड ऑल, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट. अब आ जाते हैं हम इसके फोर्थ रिएक्शन पर. थर्ड तो चलिए रिपीट था तो आई एम नॉट काउंटिंग दैट. फोर्थ, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, ये पहली बार है और आखिरी बार है ऐसा रिएक्शन, काफी इंटरेस्टिंग है. आप खुद पढ़ने के बाद देखेंगे कि हाँ भाई क्वेश्चन दे तो कोई इसी में से दे. एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, हो सकता है क्वेश्चन रिएक्शन डीपीपीज में पिछले चैप्टर में भी चला गया हो सकता है, ऑल्दो वी अवॉइड. अब ध्यान दो बच्चों, सेम कैटेगरी है, कुछ नहीं. मेरे को अब थोड़ा सा आपसे चाहिए, वही सब चल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव. एल्डिहाइड के ऊपर आप मिथाइल एल्कोहल मीथेनॉल ऐड करो, एंड यू नो ब्रदर, लेट मी टेल यू, ये थोड़ा सा वीक न्यूक्लियोफाइल है. वीक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से मेरे को इसमें स्लाइट पीएच एसिडिक देना पड़ता है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम देना पड़ता है. उसके लिए मैं यहां पर HCl गैस दे रही हूं. आई एम गिविंग HCl गैस एल्कोहल के साथ. आप जानते हैं उसका पर्पज, खैर लीव दैट, आप अपने हिसाब से अब मेरे को इसका प्रोडक्ट बना के बताओ. ममता हो सके तो इधर आओ, देखो ये लोग अपनी कॉपीज में क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, बनाइए बच्चों. और ऑनलाइन में कोई बना चुका हो, बना रहा हो, श्रुति, प्रखर, त्रिशा, फोटो खींच के भेज सकते हो, लवलीन, मुझे अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं. बिना डरे हाथ चलाओ, गलती होगी कोई बात नहीं, अगली बार नहीं होगी. यश बन गया? तो दो तीन कॉपी जो मेरे को दिख रही हैं यहां से, एच कहां गया, सी एच थ्री ओ एच है ना, मैं
मैंने क्या ऐड करने को दिया है, नोट ही गलत, ये क्या चीज है यार, हद है, अल्कोहल कर रहे हैं हम, अब करो दोबारा। सो जितना मेरे को अभी मैं इरेज करूंगी, ठीक है, अभी मत नोट करना, अभी समझना, आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब देखिए क्या करना था, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज थी नहीं वैसे, प्लस माइनस माइनस प्लस, उनको जोड़ना था। दो तीन कॉपीज मैंने देख लिया तो जिन जहां तक मेरी नजर जा रही थी सही कर रहे थे। अब इसमें ओ के साथ क्या जोड़ू मैं, एच, और सी के साथ क्या जुड़ेगा जाके, ओ सी एच थ्री। अगर अभी भी आप इसको सी एच थ्री ओ लिख रहे हैं ना, कुछ नहीं हो सकता आपका, ये बता दूं, सामने मुंह पे नाम लेके नहीं बोल पाऊंगी। अगर कोई इसको सी एच थ्री ओ लिख रहा है ना, कार्बन से जोड़ रहा है, उसका कुछ हो नहीं सकता। बस पापा मम्मी को बोलो जरा पूजा पाठ शुरू कर दे तुम लोगों का बेड़ा पार करने के लिए, करूंगी तो मैं भी तुम लोगों के लिए जरूर, मतलब वही बचा सकता है अल्टीमेटली जब हम फेल हो जाते हैं। सो पहली स्टेज तो हुई ये, अभी मैं यहां बहुत कुछ लिखूंगी इसलिए पहले इधर रहिएगा, हो सकता है कुछ इरेज भी करूं। जब मैंने एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का दिया तो कुछ ऐसा बना, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, ऋषिव हो सके तो यही ध्यान दो, पता नहीं उधर क्या लिखा हुआ है, क्या देख रहे हो, आई डोंट नो। एक ये मिथॉक्सी ईथर है, ईथर फंक्शनल ग्रुप मिथॉक्सी और अल्कोहल। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एक ही कार्बन पे OH और CN दोनों होते हैं तो उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। एक ही कार्बन पर OH और OCH3, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनता है इसको, और किससे बना है ये, एल्डिहाइड से। अगर एल्डिहाइड से बनता है ऐसा कुछ उसको बोलते हैं एसीटल, एल्डिहाइड से बने ऐसा कुछ तो उसको बोलते हैं एसीटल, राइट। मुझे एक मिनट दीजिएगा तब तक इस एसीटल वर्ड को एब्जॉर्ब करो। यही रिएक्शन अपनी कॉपी में अपनी चॉइस के कीटोन से करो, सेम रिएक्शन करिए। अनुमता देखना कोई भी ना खाली का पेन ना चला रहा हो, डूडलिंग ना कर रहा हो, गोल 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 गोल, बस सेम रिएक्शन आपकी कॉपी में आपके चॉइस के कीटोन के साथ नीचे हो, फिर बात करती हूं। मैं अल्कोहल भी बदल रही हूं, अपने आप को चैलेंज करने के लिए चीजें बदला करो कि मैंने अल्कोहल भी बदला और एल्डिहाइड की जगह कीटोन लिया, सो दैट आई कैन चैलेंज माइसेल्फ कि मेरे से गलती ना हो, और हो तो यही हो जाए। अगर आप देखें दोनों ही जगह, दोनों के दोनों जगह जो बना है, एक बना है एल्डिहाइड से और एक बना है कीटोन से। एल्डिहाइड से बनता है उसको कहते हैं एसीटल, कीटोन से बनता है उसको कहते हैं कीटल। लेकिन अभी ये पूरा एसीटल कीटल नहीं बना है, अभी एक OH लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल। आप लोग नोट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं तो चलिए करिए पहले नोट, उसके बाद पढ़ाऊंगी। अल्कोहल के एडिशन से हेमी एसिटल और हेमी कीटल बनता है, अगर एल्डिहाइड लिया तो एसिटल, कीटोन लिया तो कीटल। सिर्फ नामकरण में डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। चल वही रहा, डबल बॉन्ड तोड़ा, O नेगेटिव C पॉजिटिव, और आने वाले अल्कोहल का पॉजिटिव नेगेटिव का बंटवारा कर दिया। लेकिन आप अभी एक्सेस ऑफ अल्कोहल दे सकते हैं, एक मॉलिक्यूल और, इसलिए मैंने कहा था अभी मत नोट करना क्योंकि मैं तो आगे बोर्ड बढ़ा लूंगी, आप लोग पता नहीं कॉपी बढ़ा पाओगे कि नहीं। एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल, एक्सेस अल्कोहल, ठीक है, CH3OH। अगर आप एक और मॉलिक्यूल देते हैं, अब कम से कम यहां देखना लिखना नहीं, फिर वही मुसीबत पड़ेगी कि हम कैसे इरेज करें। ये क्या करेगा, यहां का OH, वाटर, अ गुड लिविंग ग्रुप, निकल गया बाहर, राइट। सेम नीचे वाले में भी होगा, बट एक में बताने के बाद मेरे को दूसरे में बड़ा कंफर्टेबल होगा आपको बताना, और इसका फिर मैं शॉर्टकट भी बताऊंगी। जैसे ओजोनोलिसिस है या ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, उसका लंबा लंबा करने का एंड में हमने बिफोर एंड आफ्टर शॉर्टकट भी देखा है, वो भी यहां देखेंगे। और इसके बाद मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊंगी आपको, वो क्या कहते हैं, दोनों साइड सेम एल्कोक्सी ग्रुप आएगा, दोनों साइड वही अल्कोहल तो एक्सेस में लिया है ना,
इसको कहते हैं पूरा एसिटल. पिछले वाला क्या था? हेमी एसिटल. सिमिलरली इसका भी एक्सेस उसी एल्कोहल का लीजिए, CH3CH2OH. यहां भी सेम होगा, यहां पर भी आ गया OC2H5 और यहां आ गया फिर से OC2H5. ये क्या कहलाएगा? पूरा कीटल. तो ये नोट करिए, फिर मैं एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन देती हूं आपको इसके ऊपर, करेंगे आप लोग. डिहाइड डाई मिथाइल एसिटल्डिहाइड का डाइमिथाइल के साथ एसिटल बनाओ. अफकोर्स एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल बनेगा, लेकिन इन्होंने हेमी नहीं दिया, मतलब पूरा एसिटल बनाना है. पूरा एसिटल बनाना है किसका? एसिटल्डिहाइड का. तो भाई मैं तो सबसे पहले लिख लूं एसिटल्डिहाइड क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड O. उसका हेमी नहीं, उसका पूरा एल्डिहाइड बनाना है, पूरा एसिटल बनाना है. क्या लगाना है? मिथाइल. मिथाइल माने मिथाइल एल्कोहल. मिथाइल ग्रुप किधर से आ रहा है? ठीक है, मिथॉक्सी आ रहा है, लेकिन एसिटल के अंदर वो ऑक्सी चला गया इंफॉर्मेशन में. तो मिथाइल माने जो एल्कोहल आप यूज करेंगे ना, वो मिथाइल एल्कोहल यूज करेंगे. और एसिटल का मतलब है प्लीज नो हेमी एसिटल, वी नीड कंप्लीट एसिटल. तो कंप्लीट एसिटल में क्या करना है मेरे को? एल्डिहाइड की लेफ्ट साइड को तो टच भी नहीं करना, राइट साइड में दोनों साइड क्या आ जाना चाहिए? OCH3. ये पकड़ गए तो मेरे कम से कम 15 मिनट बच गए आज की. नहीं, मेरे को 4 एग्जाम्पल और करने पड़ेंगे, अभी 2 तो करा रही हूं. ये पकड़ गए तो मेरे 15 मिनट बच गए, मुझे और एग्जाम्पल नहीं लाने पड़ेंगे. तो ये आपके पास कंप्लीट एसिटल बन गया. अब इसी में आपको तंग करने के लिए हम हेमी एसिटल के थ्रू मांग सकते हैं. तो एक तो OCH3, दूसरा अपना OH. कहीं गलती से हेमी को भूल मत जाना कि भाई आप, अब मैं एक अपनी तरफ से दे देती हूं ताकि आपको हेमी की आदत रहे. डू इट, ये भी आप अपनी कॉपी में करिए. सेकेंड, बहुत बढ़िया, ये देती हूं. 2 मिथाइल लगा दिए ना, 2 मिथाइल अल्कोहल यूज कर लिए ना एक्सेस. ठीक है, बिल्कुल सही. डाई लिखेंगे, एसिटल और डाई एक ही बात है. 2 बार एक ही बात बता दी, वी शुड बी थैंकफुल. मैं अब आपको दे रही हूं मिथाइल एक और तरीके से, बिल्कुल एनसीईआरटी का उतार रही हूं. मिथाइल हेमी एसिटल. अब हेमी में डाई मिथाइल हो नहीं सकता क्योंकि एसिटल बनता ही तब जब 2 मिथाइल ग्रुप आए. मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, उसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो एनसीईआरटी का 12.5 है. बाकी 2 पार्ट भी करा रही हूं, पहले इस 2 में कॉन्फिडेंस आए. एच मिथाइल यानी वही मिथाइल अल्कोहल देना. ये मत भूलना हर एक में ड्राई HCl है, सब्जेक्टिव टर्म 2 का है ये. ड्राई HCl नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे. H, H, एक ही साइड OCH3 लगा, दूसरी साइड वही OH. इसको कहते हैं हेमी एसिटल. इसका पूरा एसिटल भी आप बना सकते थे अगर एक्सिस ले लेते तो. तो इस तरह से ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए इसी तरह से पूछा हुआ है. एक इसमें टिपिकल है एनसीईआरटी का जो कराना ही पड़ता है, वो आप मेरे साथ करिए. कोई भी एल्डिहाइड कीटोन चूज कर लेते हैं अपनी मर्जी का, टोटली ऑन यू. चाहे एल्डिहाइड चूज करो चाहे कीटोन चूज करो, कोई इशू नहीं है. उसके साथ इथाइलीन ग्लाइकोल. इथाइलीन ग्लाइकोल क्या होता है? लेट मी शो यू. कॉमन नेम है, एंटी फ्रीज है. आपको सॉल्यूशन चैप्टर में भी बताया इथाइलीन ग्लाइकोल की सॉल्यूशन यूज की जाती है इंजन्स में, जो कूलेंट के तौर पे वाटर डाला जाता है उस वाटर में एंटी फ्रीज, ताकि ठंडी जगहों पर इंजन में पानी जम ना जाए, -20 डिग्री को विदस्टैंड कर सके वो पानी. उसके लिए इथाइलीन ग्लाइकोल डालते हैं, विच इज एन एंटी फ्रीज फॉर वाटर. वाटर को जमने नहीं देता, गाड़ियों में डाला जाता है. सो ये है इथाइलीन ग्लाइकोल. है तो ये भी अल्कोहल, इतनी देर से देखा जाए तो हम अल्कोहल का ही रिएक्शन तो करा रहे हैं. ऑफकोर्स ड्राई HCl गैस तो है ही, उसको तो कोई नकार नहीं सकता, लेकिन तो एक ही साथ आ रहा है पूरा ग्रुप. ये एक टिपिकल केस है जो एनसीईआरटी में प्रॉपरली रिएक्शन दे रखा है. मैं वहां आपको बताऊं तो हुआ क्या है, देखिएगा. आप लोगों ने यहां जो लिखा है आप उसको इंटैक्ट रखिए. आपने एल्डिहाइड लिखा हो, कीटोन लिखा हो, जो लिखा हो उसे इंटैक्ट रखिए. लेट मी मेक इट मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बाय टेकिंग कीटोन. आर आर दिस, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है.
राइट, अब देखिए यहां से क्या होता है, एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप निकलता हुआ दिख रहा है मेरे को, निकालिए देखिए क्या बनता है आप लोगों की समझ से, आप क्या बनाते हो वो मेरे से मैच करता है। ये एक ही स्टेप में हो गया क्योंकि दो दो OH आ गए ना, इसलिए दूसरे स्टेप की गुंजाइश ही नहीं बची, एक ही साथ दो OH आ जाएंगे तो वो तो एक्सेस वाला काम हो गया, तो क्या बचेगा, ममता देखना ऋषिव और सात्विक कुछ मेरे करने से पहले लिखते हैं कि नहीं, जब मैं कहती हूं लिखिए तब, या ये वेट करते हैं मेरा, मुझे पता चले आगे से आगे की सीट पे बिठाऊंगी इनको। ये क्या है अब, ये तो पूरा ही है, इसमें हेमी का तो स्कोप ही नहीं है क्योंकि दो दो OH ग्रुप एक साथ लग रहे हैं, तो इसको मैं पहले तो लिख दूं कीटल क्योंकि मैंने कीटोन ली है, आपने अगर एल्डिहाइड लिया तो आप लिख दीजिए एसिटल। लेकिन इसमें ग्रुप कौन सा जुड़ रहा है, दिस ग्रुप इज कॉमनली कॉल्ड एज इथाइलीन, कॉमनली नहीं IUPAC में, अभी तक आप मिथाइल इथाइल देख रहे थे, अब ये ग्रुप जाके जुड़ा है तो इसको मैं क्या बोलूंगी, इथाइलीन कीटल, किसका, जो कीटोन है उसके नाम पे ला लीजिए आप, जो एल्डिहाइड है उसके नाम पे। कोई कह सकता है जी एसिटल्डिहाइड का इथाइलीन कीटल बनाओ, ये NCERT का उसी 12.5 का सेकेंड लास्ट पार्ट है, उसमें दे रखा है एसिटल्डिहाइड का इथाइलीन एसिटल बनाइए। मैंने यहां पर क्या ले लिया, कोई भी एक कीटोन नाम दे देंगे, उस कीटोन का इथाइलीन कीटल बनाइए, उस एल्डिहाइड का इथाइलीन एसिटल बनाइए। इथाइलीन मींस यू आर सपोज टू टेक इथाइलीन ग्लाइकोल, डन, अंडरस्टूड, कैन आई मूव टू लास्ट रिएक्शन फॉर टुडे, एनीवन एनी इशू, त्रिशा, श्रुति, मनराज, प्रखर, ट्विंकल, कोई इशू, या लास्ट क्वेश्चन पे चलूं मैं, नो मैम, लिख रहा है ये जतिन, झूठ ना बोलना हम, अगर कीटोन की जगह अगर क्या कहते हैं बोलेंगे एल्डिहाइड तो वो भी सेम बनेगा, मतलब साइक्लिक, क्या 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 फिर से बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं सुन पा रही मैं, हम कीटोन की जगह एल्डिहाइड लेंगे तो वो भी इथाइलीन एसिटल बनेगा, एब्सोल्युटली, अगर इसी केस में तुमने एल्डिहाइड ले लिया तो वो एसिटल बनेगा, इथाइलीन एसिटल, बिल्कुल सही, और कुछ नहीं यार, ठीक। चलिए अब मैं आगे आखिरी लेती हूं रिएक्शन इस कैटेगरी का अकॉर्डिंग टू NCERT, पांचवा रिएक्शन, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ये आज का लास्ट रिएक्शन हुआ NCERT वालों के लिए। सो अब आप इसको समझिए, ये सारा समझने का खेल है, प्लीज इसे समझिए, लास्ट रिएक्शन है, नोट करने का भरपूर टाइम मिलेगा, राइट, कोई भी ले लो आप, एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, फिर से इसका रोड मैप समझ लो पहले, NCERT ने भी ऐसे ही दे रखा है एक रोड मैप, और उसके नीचे पांच कोई भी लगा दो सेम चीज होगी, वही चीज अब आप समझिए। अगर मैं इसको अमोनिया दूं तो अमोनिया को मैं ऐसे लिख रही हूं NH3 को तोड़ के, चलेगा, क्योंकि मेरे को इसमें 2H का रोल है तो मैं 2H इस साइड लिख रही हूं। अभी मैं कई चीजें इरेज करूंगी इसलिए नोट मत करना, काटपीट बढ़ेगी कॉपी में। अमोनिया के साथ रिएक्शन, यस इट इज NH3, बस मैंने इस तरह से टुकड़ों में लिख दिया, अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप वॉटर यहां से निकला, सभी डेरिवेटिव्स उठा के ले आओ, इसके परिवार के सारे मेंबर्स, एक ही काम करना है, उसने करना है ये, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, सब प्रोडक्ट का एक नया फंक्शनल ग्रुप, एक नया नाम आपके सामने आएगा, उसको अभी मैं बताऊं, उससे पहले रिएक्शन समझ लो कि जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव्स मैं लेके आ जाऊं सब में सेम काम होना है, यानी ये जो मैंने H लिखा है ना, बस इसको बदलते रहेंगे डेरिवेटिव के तौर पर, इतना तो मेरे को मिनिमम चाहिए ही चाहिए वाटर निकालने के लिए। तो पहला तो मैंने आपको समझा दिया जी डेरिवेटिव,
क्या होता है. पहली चीज मैंने आपको ये समझा दी अमोनिया के साथ रिएक्शन कैसा होता है. अब एक बार दोबारा देखिए इसको, H2NZ, उस H की जगह छूट है कुछ ही लगा दो, राइट, वही लगाएंगे हम, कुछ भी लगा दो, होगा क्या, ऑलवेज माइनस H2O और ये बनेगा. अब इसमें मैं आपके सामने एक दो तीन चीजें लिखती जाऊंगी, बस Z बदलती जाऊंगी, होना यही है. आप अपने मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में बनाते जाइए, एंड में उन पांचों के नाम लिख दूंगी और रिएक्शन खत्म होगा. पहले ये रोड मैप लिख लीजिए सब अपनी कॉपी में, ये वाला भी और ये वाला भी, फिर मैं लिखने शुरू करूं. हो गया, मैंने आपको इसको ओ से लिंक किया. हां अपने को क्वेश्चन में लिखना है, मैंने इसका बॉन्ड एस से लिखा है, इसलिए मुझे वो नहीं 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 ओ मैं आंसर भी एस से लिखा है, इसलिए मैंने छोड़ ही दिया. अभी के लिए तो ठीक है, बट प्रोडक्ट ही पूछा. हां हमें एनसीईआरटी को ही मेन मानना पड़ेगा. ये पूछ रहे क्या है. हाँ जी, मैं उम्मीद कर रही हूं हमने बना लिया ये. इसमें पांच रिएक्शन, पांच डेरिवेटिव के रिएक्शन है. एक मैं बाई चांस एग्जाम्पल में ऊपर बता चुकी हूं, मैं उसको दोबारा बता देती हूँ. ये होता है अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन. फर्स्ट चूज एनी एल्डिहाइड कीटोन, जस्ट डोंट केयर अबाउट दैट. सबसे पहला आप लेते हो अमोनिया, यानी जेड की जगह क्या लिख दिया मैंने, एच, होगा वही माइनस H2O और क्या बनेगा, इसको क्या कहते हैं, ये जो सबसे पहले मैंने बनाया, अमोनिया तो है नहीं, अमीन भी नहीं है, इसको एक नया नाम आज आपके पास आता है, इमीन. जो 12.5 मैंने आपको क्वेश्चन अभी कराया जिसमें तीन पार्ट थे एसिटल कीटल वाले, बाकी के तीन पार्ट ये थे, इस वाले कीटोन का इमीन बनाओ. तो अगर अब आपको कह दिया जाए जी एसीटोन का इमीन बनाओ, तो क्या करना है, एसीटोन को अमोनिया से रिएक्ट करो, बन गया इमीन, वाटर निकल गया, वो लिविंग ग्रुप आपको यहां दिख ही रहा है वाटर. इसी में अब एक और डेरिवेटिव मैं आपको देती हूं, सब कुछ सेम एग्जैक्टली, कोई भी एल्डिहाइड दे सकते हैं, कोई भी कीटोन. अब मैं NH2 तो मेरे को हर जगह रखना है, मैं इस जेड को बदल सकती हूं, बस ये जो Z है, लेट मी मेक इट अ डिफरेंट कलर, NCERT ने भी इसको डिफरेंट कलर दे रखा है, और अब आप ये Z ही पकड़ते जाओ. यहां पर Z था H, अब मैं इस H की जगह दे दूं OH, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन. इसका नाम अमोनिया नहीं, अमोनिया की फैमिली का मेंबर है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन. इसमें क्या होगा, वही सेम H2O निकाल दीजिए बाहर, और मेरे से पहले बनाइए आप लोग, मैं वेट कर रही हूं. रिमूव दिस H2O. क्या बनता है, बनाइए अपनी कॉपी में. मेरे हिसाब से बहुत लोगों से मुझसे पहले ही बन गया होगा. ये बना, यही प्रोसेस हम करते जा रहे हैं. हाइड्रोक्सिल अमीन से जो आपका बनता है, इसको अगर आप देखो, ये जो आपका हाइड्रोक्सिल अमीन से बना, इसी के नीचे एक और बनाओ. मैं लिखना ना चाहूं तो अमोनिया की जगह कोई भी प्राइमरी अमीन लिख लो. मैं तीनों चारों के नाम एक साथ बताऊंगी, आप नाम में कहीं फंस ना जाएं. फिर कोई भी एल्डिहाइड की टोन लिया, अब के मैंने प्राइमरी अमीन दे दिया RNH2, सब कुछ सेम, बनाइए. ये क्या है, प्राइमरी अमीन. रिजल्ट बनाइए इसका अपनी कॉपी में. खुशी
इजी है ये, सभी से बन गया होगा आई होप। तो देखिए एन आर प्राइमरी अमीन से कुछ बना, हाइड्रोक्सिल अमीन से कुछ बना। हाइड्रोक्सिल अमीन से जो बना, ध्यान से देखिए, इसका नाम है ऑक्सीम। हर साल बोर्ड में या तो इमीन वन मार्कर में आ जाता है सब्जेक्टिव में, व्हाट इज इमीन आपको बनाना पड़ता है, व्हाट इज ऑक्सीम गिव इट स्ट्रक्चर, व्हाट इज दिस जो अब मैं लिख रही हूं। अगर आप देखो फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन है, हैं तो दोनों ही इमीन, लेकिन इमीन में बस एच की जगह आर आ गया, तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन। सब्स्टिट्यूटेड इमीन, राइट? सब्स्टिट्यूटेड इमीन को एनसीईआरटी ने बता रखा है एक और नाम से जानते हैं, जिसको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में यूज करेंगे, शिफ्ट्स बेस। ये साइंटिस्ट के नाम पे है। थोड़ा सा ऊपर कर लूं, आई होप आप लोग ये तो खुद ही कर रहे हैं जो मैं कह रही हूं करने को। सब्स्टिट्यूटेड इमीन को कहा जाता है शिफ्ट्स बेस, राइट? तो शिफ्ट बेस आपको यहां पर लिखना है, ये बायोमोलिक्यूल्स में लौट के आएगा, शिफ्ट्स बेस। तीन हो गए इसके अंदर, आपने इमीन भी बना दिया, आपने ऑक्सीम भी बना दिया, और आपने शिफ्ट्स बेस भी बना दिया। चौथा अगेन खुद ही बनाएंगे पहले अपने कॉन्फिडेंस के लिए। अब मैं दे रही हूं आपको हाइड्राजीन, NH2 और NH2 इज नोन एज हाइड्राजीन। बनाइए इसका प्रोडक्ट वही माइनस H2O। तो क्या बनता है, अब नाम आसान शुरू हो जाएंगे, हाइड्राजोन। हाइड्राजीन का क्या बना, हाइड्राजोन। बन गया, अगली स्लाइड पे ले रही हूं मैं और नीचे ना करके, अब आपको आदत हो गई है कैसे करना है। पांचवा इसी कैटेगरी में, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन, इतना रेपिटेशन है कि अब आपको रट जाएगा ये, कोई सजेस्ट करेगा ये मैंने क्या बनाया। हाइड्राजीन से ही रिलेटेड है, एनिलीन ना। अब देखो थोड़ा बदल दिया मैंने, हाइड्राजीन का ही कुछ डेरिवेटिव बन गया। हाइड्राजीन थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने पिछली स्लाइड पे, NH2। उसके एक H के जगह फिनाइल लिख दिया मैंने। ये आप लोग प्लीज नोट करने की होड़ के बजाय ये समझ लो मैं याद करा रही हूं, जो अपने आप से बड़ी मुश्किल होगी याद करने में। इतना हिस्सा देखती तो ये तो हाइड्राजीन सा ही लग रहा है, तो लिख दिया मैंने हाइड्राजीन। मत नोट करना, थोड़ी देर के लिए जगह दूंगी मैं आपको नोट करने को, टाइम भी दूंगी, वेट करो। हाइड्राजीन के एक एन पे क्या लगा है, फिनाइल। इससे नाम और स्ट्रक्चर दोनों याद हो रहे, फिनाइल हाइड्राजीन। प्रोडक्ट अब आप लोग बड़े आराम से बना सकते हैं, बनाइए, उसमें मैं आपको नहीं रोकती। अब बनाइए, क्योंकि आगे असली जो रिएक्शन अब आ रहा है वो इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आपको ये नाम पता है कि नहीं। हाइड्राजीन का हाइड्राजोन बना था, फिनाइल हाइड्राजीन का क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन उसका बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन। बिल्कुल इसके नीचे एक और सेम, इसका आप नाम भी खुद बता पाओगे मेरे को पूरा, जिन्होंने सुना होगा, जो लगे नोट करने में सिर्फ वो नहीं बता पाएंगे। कोई फिनाइल लगा रही हूं, किसका अलार्म बजा है ये, मैं रख लूंगी फोन। किसका बजा था, चलो लड़की तुम ही बताओ इसका नाम।
आराम से कर लो स्विच ऑफ, घबराओ मत, अब मैंने रखना ही है फोन। हाँ जी एनीवन, लाओ सात्विक, ऋषिव, फिनाइल भी है हाइड्राजीन भी है, उतना टुकड़ा तो सेम है, हाइड्राजीन पे फिनाइल था तो फिनाइल हाइड्राजीन तो है। बच गई, नी मोबाइल रखना था मैंने। 1 2 3 4, अब इसका नाम देखिए, आ गया कुछ अच्छे बच्चों को पर मुझे नहीं आया, रुको, 2 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब इतना लंबा नाम कौन लिखे, मेरी तो मजबूरी है, मैं तो लिखूंगी, मेरे को तो फीस लेनी है आप लोगों से, मेरा तो मोटिवेशन ही वही है आप लोगों के लिए। इसका नाम डीएनपी, फेमस नेम, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। 2,4 हटा दीजिए, डी फॉर डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, अंडरस्टूड है। ये सबसे इसी के लिए ये पूरा रिएक्शन पढ़ाया, डीएनपी के लिए, क्योंकि डीएनपी एक ऐसी चीज है। अब पहले तो इसका हम बना ले, बनेगा क्या, बनाना कोई आलस मत करना, मनराज बना रही हो ना? यस मैम। परफेक्ट, बनाना जरूर सभी लोग, क्यों, क्योंकि अब आपको पता चलेगा, जैसे अल्कोहल्स का टेस्ट आपने देखा था ल्यूकास रिएजेंट था या विक्टर मेयर टेस्ट था, एल्डिहाइड कीटोन को पहचानने का मेरे पास इकलौता सॉलिड टेस्ट है, वो है डीएनपी टेस्ट, इसके नाम से टेस्ट है। तो ये जो मैंने अब आपके लिए बनाया, यहां पर क्या बना होगा, इसका भी नाम खुद ही लिख लो, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। जैसे हाइड्राजीन का हाइड्राजोन बना, फिनाइल हाइड्राजीन का फिनाइल हाइड्राजोन बना, ऐसे ही डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का क्या बन जाएगा, डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ये एक बहुत फास्ट कलर, येलो कलर का, येलो और ऑरेंज दोनों होते हैं, प्रेसिपिटेट है। हम जब क्लास 12th की लैब में, आज भी मुझे याद है, अगर आपको लैब का मौका मिला आपको भी करवाएंगे, कीटोन का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, कीटोन एल्डिहाइड का, टेस्ट ट्यूब दे देते हैं और कहते हैं जी बताओ इसके अंदर क्या है। हम सारे टेस्ट करते हैं, अल्कोहल के लिए हमने ल्यूकास किया, नहीं आया, मतलब अल्कोहल नहीं है। फिर हम एल्डिहाइड कीटोन ढूंढने के लिए डीएनपी डालते हैं, जैसे ही डीएनपी डालते हैं टेस्ट ट्यूब भर जाती है इतने ज्यादा ब्राइट फास्ट येलो कलर से कि एकदम डालते इतना फास्ट येलो कलर आता है कि पहचान आ जाती है जी एल्डिहाइड कीटोन में से कुछ तो है, कार्बोनिल ग्रुप का कंफर्मेटरी टेस्ट है। और तो और उस टेस्ट ट्यूब को जब हम खाली करते हैं, धोते हैं, सिंक में डाल देते हैं उसके अंदर के कंटेंट को, 2-3 दिन तक सिंक का येलो कलर नहीं जाता, पता चल जाता है कि ये पिछले बैचेस में डीएनपी टेस्ट हुआ है। कई दिन लग जाते हैं, ये डाई की तरह यूज होता है, येलो डाई, ऑरेंज डाई, डीएनपी जो बनता है। तो ऐसे ही टेस्ट लैब में प्रेफर किए जाते हैं जो एकदम से दिख जाए, थोड़ी बहुत ही गलती के बावजूद भी दिख जाए। तो ये डीएनपी टेस्ट बहुत फेमस है, अगली क्लासेस में आप देखेंगे हर क्वेश्चन का पहला हिस्सा डीएनपी टेस्ट होगा, आइडेंटिफाई करनी है कोई चीज, डीएनपी टेस्ट ये फलानी चीज पॉजिटिव दे रही है, मतलब पक्का कार्बोनिल है या एल्डिहाइड है या कीटोन है। फिर अगली फाइट आएगी एल्डिहाइड है या कीटोन है, वो अगली फाइट है अगली क्लास में, आयोडोफॉर्म टेस्ट, वो भी मैं करा चुकी हूँ, जस्ट डन लिखूंगी, जैसे आज मैंने लिखा ग्रिगनार्ड पे, वो आयोडोफॉर्म पहले ही हो चुका है आपका। सो डीएनपी इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर मी, वाई, बिकॉज इट इज यूज टू आइडेंटिफाई या कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो इस लाइन को मैं लिख दूं आप लोगों के लिए, हालांकि इतना बताने के बाद कंफर्म हो जाना चाहिए, डीएनपी टेस्ट इट गिव्स येलो और ऑरेंज कलर विद कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ऑरेंज या येलो कलर आ जाना डीएनपी डालते ही, दिस इज व्हाट बेसिस ऑफ द टेस्ट, डीएनपी टेस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डीएनपी, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, तो आप ये देखें यहां से मेरे को डीएनपी मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, येलो और ऑरेंज कलर, रेड भी आपकी एनसीईआरटी रेड भी बता रही है, मैंने किया हुआ है, मुझे येलो मिलता है, जो लैब टेस्ट मैंने किया हुआ, इसलिए मैं येलो बोल रही हूं, येलो ऑरेंज रेड कुछ भी, ठीक है।
इसी कैटेगरी में एक और दे रही हूं, फिर का नाम है सेमी कार्बाजाइड। सामने क्या बनेगा, हाइड्राजीन का जोन बना था, सेमी कार्बाजाइड का सेमी कार्बा जोन बनेगा। सेमी कार्बाजाइड का जो डेरिवेटिव बना वो बना सेमी कार्बा जोन। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर बता दूंगी मैं आपको अभी कौन सा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रीजन, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, इस तरह से है। इसके ऊपर ना, इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लीजिएगा, आज तक बोर्ड पेपर में मुझे ये चॉइसेस में मिलता है, ऐसा नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन ना मिला हो। हाईली इंपॉर्टेंट, व्हाई हाईली इंपॉर्टेंट, अब आप इस क्वेश्चन को ही देख के समझ जाएंगे। दो NH2 ग्रुप अवेलेबल हैं सेमी कार्बाजाइड में, दो दो NH2 ग्रुप होते हुए भी व्हाई दिस इज ओनली रिएक्टिंग विद ये वाला NH2, व्हाई नॉट दी अदर वन। दो दो NH2 ग्रुप होते हुए भी सेमी कार्बाजाइड रिएक्ट्स विद ओनली वन, किसी एक, वो भी कौन सा एक स्पेसिफिक, इस वाले के साथ ही क्यों रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा। फोकस हिंट, पहली लाइन आज के रिएक्शन की, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एल्डिहाइड और कीटोन को न्यूक्लियोफाइल ही अटैक कर सकता है प्रत्यक्ष, क्यों दूसरा अमोनिया क्यों नहीं लग पा रहा इस पे, यही वाला क्यों, दी अदर वे क्यों नहीं। एनीवन, वाई वो वाला NH2 जो NH के साथ जुड़ा था, वो वाला NH2 क्यों नहीं जो C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा था। भव्या, गरिमा, नंदिनी, खुशी, कार्बन पे पॉजिटिव, यहां इस पे एक न्यूक्लियोफाइल ने जाना है। अब मैं कहती हूं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तो दो दो हैं, क्योंकि H2 चाहिए मेरे को वाटर निकालने के लिए, तो यहां से भी तो अटैक कर सकता था, यहां से भी। नहीं नहीं नहीं, गलत जा रही हो, गलत जा रही हो, व्हाई नॉट बोथ, गलत जा रहे हो मैम। जो ये कहते हैं जो C वाले H2 राइट राइट मोस्ट वाला, वो O के ऊपर उसका कॉन्जुगेशन हो जाएगा, रेजोनेंस। वो लोन पेयर अवेलेबल ही कहां है न्यूक्लियोफाइल बन के किसी को डोनेट करने में। पहली लाइन ही हमने क्या ली थी, पहली लाइन हमने, और ये एनसीईआरटी चल रही है, कुछ और नहीं, इधर उधर मत देखिए। पहला वर्ड ही हमने आज इसमें डाला है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जी हमारी कैटेगरी। कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज उतना अच्छा रिएक्शन। आने वाला न्यूक्लियोफाइल, आने वाला न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियोफाइल बन सके, जिसके पास लोन पेयर या चार्ज हो देने के लिए, इसका लोन पेयर तो हाफ द टाइम ऑक्यूपाइड है, अवेलेबल ही नहीं है, हाफ द टाइम इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस, सो नॉट अवेलेबल टू अटैक। ये अटैक करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, दैट इज वाई एक ही NH2 बचता है जिससे कि ये कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करके सेमी कार्बा जोन देगा। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको लैंग्वेज पढ़ के बता देती हूं, NCERT ने क्या दिया है बैक एक्सरसाइज में। NCERT में सिर्फ 20 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, मैं 18वें क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पढ़ के बता रही हूं। देर आर टू NH2 ग्रुप्स इन सेमी कार्बाजाइड, हाउएवर ओनली वन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बा जोन, गिव पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बिना इस डायग्राम के, बिना रेजोनेंस दिखाए दी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं।